जितने स्ट्रॉन्ग वेपन्स हो किसी कंट्री के पास, उतना ही पावरफुल उस कंट्री को माना जाता है। तो आइए देखते हैं टॉप 10 मोस्ट डेडलीस्ट वेपन्स ऑफ ऑल टाइम्स। एंड डोंट मिस आउट वेपन नंबर 10। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं देन योर सपोर्ट इज डीपली अप्रिशिएटेड। नंबर 1, कॉर्नर शॉट। चाइनीज स्टेट मीडिया ने कुछ ही टाइम पहले क्लेम किया है कि चाइनीज मिलिट्री अपने आर्मी को साइफाई वेपन्स यूज करने के लिए ट्रेन कर रही है, जैसे कि ग्रेनेड लॉन्चिंग असॉल्ट राइफल्स, कॉर्नर शॉट पिस्टल्स एंड नाइफ गन्स। इन गन्स से कॉर्नर पे भी सोल्जर्स इजीली टारगेट को शॉट कर पाएंगे। चाइना अब सुपर सोल्जर्स को तैयार कर रही है जो कि एक टाइम पे 10 सोल्जर्स से फाइट कर सके। ऐसे वेपन्स देख के पता लगता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी मॉडर्नाइज हो रही है, और वो अपनी आर्मी में बहुत चेंजेस लेके आ रहे हैं ताकि वो एक वर्ल्ड क्लास फाइटिंग फोर्स क्रिएट कर सके। नंबर 2, काइमेरा वायरस। ये लिस्ट इनकम्प्लीट होगी अगर हम बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बात ना करें। काइमेरा वायरस बनता है बाय कंबाइनिंग डिफरेंट डीएनएज ऑफ टू और मोर अदर वायरसेस। 1980s में माना जाता था कि सोवियत्स इस वायरस पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते थे यूजिंग जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम अदर वायरसेस, एंड इन सबको इंजेक्ट करते थे स्मॉल पॉक्स या कोई और वायरस में, जिसकी वजह से काइमेरा प्रोड्यूस हुआ। इस एक्ट से ये इंश्योर हुआ कि नया वायरस स्मॉल पॉक्स की वायरलेंस रिटेन करे एंड अपीयरेंस भी वैसे ही रहे, बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर करे कि ये एक कम्प्लीटली न्यू इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए टूवर्ड्स द टारगेटेड पॉपुलेशन। ये टैक्टिक डेडली इसलिए है कि इस स्टाइल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से जो ऑलरेडी नोन ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीनेशंस हैं उनको ये कम्प्लीटली अवॉइड करता है एंड ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। नंबर 3, बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक वेपन्स। बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक वेपन्स आज के जमाने के वेपन्स हैं जो कि यूएस और चाइना के बीच मिलिट्री कॉम्पिटिशन के लिए बनाए गए हैं। और कोई कंट्री ने इस वेपन का सैंपल तक भी नहीं प्रिपेयर किया, लेकिन चाइना और यूएस ने अपने अपने वर्जन्स को 2014 में टेस्ट भी कर लिया था। ये लेटेस्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं बहुत तेज स्पीड से, जो कि किसी को से कंपेयर भी नहीं करी जा सकती। अगर कभी ये वेपन यूज हुआ तो ये वेपन के लोड को स्पीड ऑफ साउंड के 5 टाइम ज्यादा स्पीड पर डिलीवर कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर्स पर सेकंड, और क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज होगी तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पकड़ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी सिर्फ ट्रेडिशनल मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए बने हैं। एक्सपर्ट्स को ये डर है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वेपन्स की एक नई दौड़ ना शुरू हो जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन डू चेक आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल एंड डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। नंबर 4, एग्जैक्टो। एक्सट्रीम एक्यूरेसी टास्क ऑर्डनेंस, जिसको कि एग्जैक्टो भी कहा जाता है, एक स्नाइपर राइफल है और इसे निकलती हैं स्मार्ट बुलेट्स, जो कि टारगेट की मूवमेंट को डिटेक्ट करके अपना पाथ चेंज कर लेती है ताकि सीधा टारगेट को हिट कर सके। और भी कोई फैक्टर्स की वजह से अगर बुलेट रास्ता भटक जाए तो उसे वापस ट्रैक पर लेकर आती है। इन बुलेट्स में ऑप्टिकल टिप्स का फीचर है जिसकी वजह से ये लेजर्स की हेल्प से टारगेट से भटकती नहीं है। पेंटागन, जो कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, उन्होंने 2015 में इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। नंबर 5, आरपीजी। आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वेपन्स में से एक है, एंड हिस्ट्री इसकी गवाह है। फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 टू वियतनाम वॉर टू द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन द मिडल ईस्ट, ये रॉकेट लॉन्चर एक्सटेंसिवली यूज किया गया है इन वॉरफेयर। आरपीजी यूज किए जाते हैं टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये वेपन इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक सोल्जर जिसको बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग दी गई हो, लेकिन उसको एक सिंपल आरपीजी दिया जाए तो वो एक मल्टी मिलियन डॉलर टैंक को खत्म कर सकता है। 1950s में अमेरिकन आर्मी ने अपना एक आरपीजी डेवलप किया जिसको लॉ यानी कि लाइट वेट एंटी टैंक वेपन का नाम दिया गया। जब से आरपीजीज इन्वेंट हुए हैं तब से ही वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है आर्मेड व्हीकल्स एंड टैंक्स के लिए। नंबर 6, मैसिव ऑर्डनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स। अमेरिका का ये वेपन बहुत बारीकी से बनाया गया है जिसका वेट है 14,000 केजीज, और इसकी खास बात ये है कि ये अंडरग्राउंड बंकर्स और होल्स को भी ब्लास्ट कर सकता है। एमओपी बॉम्ब को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 60 फीट डूंगी कंक्रीट को कुरेद के उसके नीचे जा सकता है और फिर 200 फीट नीचे तक इसके ब्लास्ट का असर दिखता है।
2007 में MOP बॉम्ब की टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई और उसके बाद US एयरफोर्स ने इन बॉम्ब्स को भारी तादाद में ऑर्डर कर दिया ताकि अगर कोई कंट्री US पे अटैक करे तो US तैयार हो उसको जवाब देने के लिए। इस बॉम्ब का मेन मोटिव ये है कि अगर कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बहुत प्रोटेक्टेड जगह पर रखे हैं तो ये उनके तक भी पहुँच कर उसे ख़त्म कर सके। नंबर 7, B-41 हाइड्रोजन बॉम्ब। B-41 25 मेगाटन का हाइड्रोजन बॉम्ब है जो कि सितंबर 1960 में डिप्लॉय हुआ था और ये US का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक माना जाता है। B-41 में 25 मिलियन टन्स का TNT यूज हुआ है विच इज एन एक्सप्लोसिव केमिकल कंपाउंड। अगर हम इसके लिथैलिटी इंडेक्स की बात करें यानी कि वो इंडेक्स जो कि बताए कि कोई चीज़ में किसी को मारने की कितनी काबिलियत है तो ये 4000 टाइम्स ज़्यादा एबिलिटी रखता है दैन अ नॉर्मल बॉम्ब और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा डेडली माना जाता है। B-41 इकलौता 3-स्टेज थर्मोन्यूक्लियर वेपन है जो कि US ने बनाया है। नंबर 8, ICBM। ICBM एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको टारगेट की तरफ गाइड करके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ICBM 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है एंड मोस्ट कॉमनली इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स फिट करके इसको यूज करा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको किसी भी मीडियम के थ्रू लॉन्च करा जा सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन्स, मिसाइल साइलोज या व्हीकल्स, जो इसकी वर्सेटिलिटी शोकेस करता है। ये वेपन MAD डॉक्ट्रीन, MAD डॉक्ट्रीन मतलब जब दोनों एनिमी कंट्रीज के पास इक्वल न्यूक्लियर वेपन्स हो टू डिस्ट्रॉय ईच अदर कम्प्लीटली तो वो ऐसे वेपन्स एक दूसरे पे यूज नहीं करते। तो ICBM MAD डॉक्ट्रीन का इंटेग्रल पार्ट बना बिकॉज इससे एनिमीज एक दूसरे पर सेकेंड स्ट्राइक गारंटीड कर सकते थे। नंबर 9, MIRV। The MIRV, which is a multiple independently targetable re-entry vehicle, एक shipment है for flying missiles जिनके अंदर multiple weapons होते हैं और हर एक weapon के अंदर capability है multiple targets को hit करने की। जो old fashioned weapons थे वो सिर्फ एक nuclear bomb या एक missile transport करते थे और एक ही target को aim कर पाते थे, लेकिन next step पे multiple re-entry vehicle missile के साथ बहुत सारे weapons carry हो सकते हैं और वो सब distribute होके blast करते हैं और इससे multiple targets को hit करते हैं। Just like a shotgun, जिसको fire करते सार ही different shotgun pellets spread होते हैं towards the target, MIRV भी fire करते सार ही shotgun pellets के जैसे spread हो जाता है and different targets पे missiles strike करता है and targets को destroy करता है। Number 10, the most deadly weapon, Tsar Bomba. Tsar Bomba Soviets का जवाब था for the United States nuclear program. Tsar Bomba को one of the ultimate and original weapons of mass destruction माना जाता है, जिसकी initial testing की वजह से पूरी दुनिया panic mode में आ गई थी and अपने आप को तैयार करने लगी थी for a full-fledged nuclear war. Such was its destruction. कि सार बॉम्बा अभी तक सिर्फ एक बार डेटोनेट करा गया एंड वो एक डेटोनेशन ही बहुत था टू रिंग अलार्म बेल्स। सार बॉम्बा अभी भी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एंड सबसे बड़ा बॉम्ब है और अगर कंपेयर करा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पावरफुल बॉम्ब B-41 25 मेगाटन्स TNT की यील्ड कंटेन करता था। सार बॉम्बा ऑन द अदर हैंड हैड अ यील्ड ऑफ 100 मेगाटन्स TNT। Such was its destruction कि इस बॉम्ब का ब्लास्ट रेडियस लगभग 1000 किलोमीटर तक भी फील करा गया। इस बॉम्ब को डेवलप किया गया बाय द सोवियट्स यूनाइटेड स्टेट्स को डराने के लिए एंड उस सर्कमस्टांसिस में यूज करने के लिए अगर सोवियट एंड US के बीच में वॉर हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड बिकॉज ये इतना बड़ा था इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत पुअर थी बिकॉज फर्स्टली इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं था एंड सेकेंडली इस डिवाइस के बॉम्ब क्रू के सर्वाइवल चांसेस 50% ही थे बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन दिस बॉम्ब कुड कॉज। आपको कौन सा वेपन सबसे डेडली लगा डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोज चाहते हैं देन डू लेट अस नो दैट एज वेल।